आदमी बदल सकता है, बदल सकता है निजाम को, आवाम को, समाज को। रोक सकता है करप्शन को, महंगाई की यलगार को, नाइंसाफी को। एक आम आदमी सब बदल सकता है, एक आम आदमी सोच सकता है रोशन मुस्तकबिल को, मुल्क की तामीर को, तरक्की के रास्तों को। सब कुछ बदल सकता है, सब कुछ बदल सकता है, सब कुछ बदल सकता है। जब खबर आम हो, जब खबर आवाम हो, और दुनिया हो आपकी। रोजनामा दुनिया, खबर की दुनिया। अस्सलामुअलैकुम खातिन और हज़रात, वक्त होता है आपके हस्बे हाल का। मैं हूं आपका मेजबान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज अजीज। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। क्या कर रहे हैं जी साहब? खैर जो बात बताने लगा नाज़रीन, नीचे प्रेस चल रहे हैं, तड़ा तड़ा अखबारें छप रही हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सुबह हमारे दुनिया चैनल की तरफ से अशात शुदा अखबार रोजनामा दुनिया आपके हाथों में होगा। और जब हम सुबह हमारा जब शो रिपीट हो रहा होगा उस वक्त आप उसे पढ़ रहे होंगे, और जब सुपहर को तीसरी दफा हस्बे हाल रिपीट हो रहा होगा तो उस वक्त इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारे जो लाहौर के व्यूअर्स हैं वो अपने कराची इस्लामाबाद और सरगोधे मुल्तान के रिश्तेदारों और दोस्तों को फोन करके बता रहे होंगे कि यार दुनिया का अखबार आया यार, रोजनामा दुनिया, वाह 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 यार, बड़ा अखबार है, वाह वाह वाह। नहीं अभी लाहौर से शुरू हुआ है यार, आपके शहरों में से भी बड़ा जल्द शुरू होने वाला है यार। इंटरनेशनल अखबार है यार, उसमें अजीजी की फोटो लगी हुई है यार। अब मैं कह बैठा हूँ लगवा दे। हकीकतन यार लोगों में इस हवाले से बहुत ज्यादा तजस्सुस है और मतलब पुरजोश है लोग इस हवाले से कि सहाफ़ती दुनिया में रोजनामा दुनिया क्या नया कलर लेके आएगा। और जो खास तौर पर लोग इस बारे में बहुत ज्यादा डिबेट कर रहे हैं इंटरनेट पर भी, मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर, और जो हस्बे हाल का जो साइट है और फेसबुक का पेज है उस पर भी इस बात पर डिबेट हो रही है कि ये जो आप लोगों ने थीम दी है कि एक आम शख्स पूरा निजाम बदल सकता है, एक आम आदमी जो है वो भी पूरा निजाम बदल सकता है, इस हवाले से इस पे बहुत ज्यादा जान है और एक्साइटमेंट लोगों की बहुत ज्यादा है। एक वाकई एक आम इंसान अगर ये तहिया कर ले कि मैंने निजाम को तब्दील करना है वो कर सकता है, बिल्कुल हकीकतन तब्दील कर सकता है। और ये स्लोगन भी कह लो और ये दुआ भी कह लो, इंशाल्लाह बदलेगा, इंशाल्लाह। और यार ये हमारे हस्बे हाल के नंबरों के ऊपर बहुत लोगों ने यार मुबारकें दी हुई हैं, विश की हुई हैं, और अजीजी कह के भी उन्होंने लिखी हुई है विश। अजीज साहब आपको क्या विशेस लिखी हुई हैं? वो लिखा हुआ है कि अजीजी गुड लक टू यू एंड जलने वाले का मुंह काला। मैंने उसको फिर जवाबन एसएमएस भी किया है। अच्छा। थैंक यू एंड तू लंग जा साड़ी खैर। ये जो तुमने उसको जवाबी मैसेज भेजा है ना, तू नंग जा साड़ी खैर है, इस जुमले का या इस एहसास का हमारे फील्ड में बहुत ज्यादा फुकदान है। अच्छा। हाँ वाकई मैं ये समझता हूँ बहुत ईमानदारी के साथ, मुझे 20-22 साल हो गए इस शोबे में, मैं ये समझता हूँ सबसे ज्यादा अगर तुम अपने इर्द गिर्द नजर डाल लो, कारोबारी हजरात पर नजर डाल लो, सियासी लोगों पर नजर डाल लो, सबसे ज्यादा अगर कहीं हसद का आंसर पाया जाता है तो वो हमारे फील्ड में सबसे ज्यादा जर्नलिज्म में। और जब भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट, कोई नया अखबार, कोई नशियाती इदारा अपने सफर का आगाज करने लगता है तो जो हासदान है, जो पहले से यानी पहले से उस फील्ड में मौजूद होते हैं, उनकी पूरी कोशिश होती है कि किसी तरह से ये नया प्रोजेक्ट नाकाम हो जाए। हालांकि नए जो रोजगार के मौके हैं वो खुलते हैं, नए नए वेन्यू सामने आते हैं, बिल्कुल नए आसमान खुलते हैं लोगों के लिए, इंफॉर्मेशन का एक फ्लो होता है जिसको रोका नहीं जा सकता। और दूसरी बात यह कि कभी भी यह सफर नहीं रुका किसी पहले से मौजूद बड़े इदारे या जो ताकतवर इदारे हैं
हैं वो कभी नए आने वालों का सफर रोक नहीं पाए, लेकिन फिर भी अंदर एक अजीबोगरीब हमारे साइकी है कि ये जो मैंने चौधराहट कायम की हुई है ये मेरी चौधराहट कायम रहे और कोई भी नया शख्स हमारे फील्ड में आ रहा है उसका बेड़ा गर्क करके रख दो, उसके खिलाफ बेपर की उड़ाओ, उस पर इल्जामात का यानी बारिश कर दो। अजीब है यार, बिल्कुल यही रवैया होता है यार। तुम भूल गए जब 4 साल पहले दुनिया न्यूज ने, दुनिया चैनल ने अपने सफर का आगाज किया था तो जो पहले से इस फील्ड में मौजूद बड़े चैनल्स थे उनको एक पल के लिए भी ये गवारा नहीं था, उन्होंने किस किस तरह रकीक हमले नहीं किए थे। याद है तुम्हें कि इस इदारे की बाकायदा नैब ने कई माह तक बाकायदा तहकीकात की थी बगैर किसी वजह के, सिर्फ शौकिया फरमाइश पर इस इदारे की और इस हद तक तहकीकात की थी कि जनाब आपने ये मेज कहां से खरीदी है, आपने ये कुर्सी कहां से खरीदी है, और बाकायदा उन्होंने एक एक मेज और कुर्सी की रसीदें चेक करके, गालिबन दुनिया न्यूज वो वाहिद इस वक्त इंडस्ट्री में इदारा होगा जिसको नैब ने क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिया था। अच्छा जी जी, और तमाम तर असर रसूख और दबाव के बावजूद नैब ने इस इदारे की एक एक पाई की आमदन को और अखराजात को शफाफ तरीन करार दिया था। और मैं हैरान हूं कि आज वो लोग भी इल्जामात लगा रहे हैं, जो मुंह में आ रहा है बोलते चले जा रहे हैं, जिन लोगों के खिलाफ बाकायदा यानी नैब के साथ प्ली बार्गेन डील्स हो चुकी हैं, जो बकायदा करप्शन के इल्जाम में जेलें भुगत चुके हैं, और फिर वो उन्होंने सिर्फ इसलिए सहाफत का शोभा इख्तियार किया है कि अपने किए पर पानी डाला जा सके। शाबाश, ये क्या कह रहे हो यार? मैं कोई इंकशाफ कर रहा हूं, मतलब मीडिया से रिलेटेड हर शख्स को इस बात का पता है कि किन किन लोगों ने बकायदा नैब के साथ प्ली बार्गेन डील्स की हैं, और फिर आपने प्ली बार्गेन के नतीजे में जो रकम तय की है कि मैं अपनी जो करप्शन की कमाई है उसमें से वापस इतनी रकम लौटाने के लिए तैयार हूं, उसके बाद जब आपने मीडिया की जरा बख्तर पहन ली आपने उस रकम को भी फरामोश कर दिया। आए हाय, इसका मतलब है ये सही शोर पड़ा हुआ ना कि एंकरों का भी और चैनल्स मालकान का भी कच्चा चट्टा सामने आना चाहिए। नहीं, प्रॉब्लम ही ये है, बुनियादी तौर पर हमारा मसला ये है और मामला मजीद उलझता ही इसलिए जा रहा है कि हर दूसरा शख्स उठता है और यह मुतालबा शुरू कर देता है कि जी एंकर्स का और मालकान का एहतसाब किया जाए, खुद को कोई एहतसाब के लिए पेश करता नहीं है। यह सिलसिला कहां से शुरू होगा? यही तो सबसे बड़ा मसला ही है कि यह सिलसिला आखिर शुरू कहां से होगा, कब? जो शख्स जिस पर इल्जाम है, जिस पर जितना ज्यादा करप्शन का शदीद इल्जाम है, वो उतना ही ज्यादा पारसा बनकर शोर मचाता चला जा रहा है। शोर मचाए शोर। अब लोगों को ये बात समझाई जानी चाहिए ना कि शराफत की उस डिग्री की कोई अहमियत नहीं होती जो मैंने अपने लिए खुद जारी की है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? यार ये ठीक नहीं है। चलो इधर वो भैंस के आगे बीन बजाना, चलो बैल के आगे बीन बजाना। वैसे तुम संजीदगी से जरा बताओ कि ये जो जिस अंदाज में मीडिया के एहतसाब की बात हो रही है, क्या वो संजीदा तरीका कार है? मतलब इतना हसास और नाजुक हमारे मुल्क का मसला है लेकिन हमने इसको महज स्लोगन बना के रख दिया है, सिर्फ नारेबाजी की जा रही है मीडिया के एहतसाब की। अगर आप वाकई मीडिया के एहतसाब में संजीदा है और खुद को भी एहतसाब के लिए पेश कर रहे हैं तो फिर पेश करें, फिर महज नारे ना लगाएं, फिर आप टीवी कैमरे के सामने बैठ के जो मुंह में आता है आप अपनी वजाहत करें, और अपनी वजाहत भी किसी प्रॉपर फोरम पर जाकर करें। यह नहीं कि आपने खुद को क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे दिया और यह काफी है। मतलब ये मीडिया के एहतसाब की आड़ में आप बिजनेस स्कोर सेटल कर रहे हैं, आप कारोबारी रफाकतें वो निभा रहे हैं और कारोबारी रकावतें बढ़ा रहे हैं। दिस इज द पॉइंट। देखो ना कि हम इस मामले में इस अंदाज में धूल उड़ा रहे हैं कि हकीकत नजर ही ना आए, गधे घोड़े की पहचान ही ना रहे, और हमने जो करप्शन की है उस पर बहुत खूबसूरती के साथ चादर डाल दी जाए। वो क्या इस सिचुएशन के लिए कहते हैं, कुकड़ खे उड़ाई थी अपने सिर चपाई। ये कुछ बेहतर है वैसे। बहुत मेहरबानी, कुकड़ या खे, मेरा ख्याल पाई। ओके नाज़रीन, यहाँ पे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आज पहली बार हमारे साथ हैं एएनपी सिंध के सदर जनाब शाही सैयद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। बड़ी मेहरबानी जुनैद साहब आपकी जनाब, मैं बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ इस वक्त के एएनपी की आवाज भी किसी चैनल पे सुनाई दी है, वरना एएनपी वाला बंदा तो को बोलने लगता है तो उसके मुंह के ऊपर फौरन रुमाल रख देते हैं, जैसे खांसी वाले बच्चे के मुंह पे नीरी बाल रख देते हैं। नहीं सर, हमने तो हमेशा एएनपी को प्रॉपर कवरेज दी है। नहीं, कभी भी प्रॉपर कवरेज नहीं दी। ये तो आप वैसे ही मुझे इधर बुला के मुझे इज्जत देना चाह रहे हैं, वरना हमेशा आप लोगों ने हमारे मुखालफीन को ही कवरेज दी है। उनके तो किसी भी फंक्शन में आप ढाई ढाई तीन तीन घंटे उनसे कैमरा ही परे नहीं करते। उनके फंक्शन की तो आप देगे भी पकती हुई दिखा रहे होते।
बल्कि ब्रेकिंग न्यूज में बता रही होती है कि नाजरी देखो मैं मसाला पड़ गया, नाजरी देखो कि नीचे आग मदम हो गई थी मगर फिक्र नहीं करे नाई फूके मार रहे, नाजरीन तैयार हो जाए अब नाई ने करड़ू करड़ू शुरू कर दिया। हमें कौन सी कवरेज देते हैं, उन लोगों को कवरेज मिलती है, हमें तो कभी कवरेज नहीं मिली। सैयद साहब ये फरमाया कि आप शुरू से एएनपी में थे? नहीं जी, शुरू में तो मैं पहले स्कूल में था, फिर मैं कॉलेज में भी गया कुछ देर के लिए। अच्छा, उससे पहले घर में भी होंगे? घर में भी था। आप यकीन करें मैं कई दफा शादी ब्याह में भी होता। तो एएनपी में आप क्या सोच के आए? खिदमत अवाम का खिदमत। देखो जुनैद खान ये सियासत में हम बड़ा मौजाना तरीके के साथ आए। अच्छा, शुरू शुरू में जब हमारे पास एक ट्रक था तो हमने ट्रक के पीछे कुछ शेर लिखवाने का सोचा, तो हम इकबाल का बड़ा फैन था। अच्छा, फैन था आपका मतलब? फैन था यार, मेरा बात सुनो, तुम्हारा मेहरबानी है हमारा उर्दू ठीक करवाने की कोशिश न कर। अच्छा, चलो ठीक, अगर आपने हमारा उर्दू ठीक करवाना है तो मैं चला जाता। नहीं नहीं, हमारा उर्दू बहुत बहुत अच्छे है। तो हमने वो अपने ट्रक के पीछे इकबाल का शेर बनाने के लिए पेंटर को बुलाया, उसने इकबाल का फोटो बनाया और नीचे उसका शेर लिख दिया, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। हमने पहली दफा ये जब इकबाल का शेर देखा उधर लिखा हुआ तो हम सोच में पड़ गया कि ओ माड़ा ये तो इकबाल ने हमारे मुतल्लिक कहा है, हमने कभी सोचा ही नहीं। तो हमने एक बुजुर्ग से पूछा तो बुजुर्ग ने आपको मशवरा दिया कि देखो बात सुनो, इकबाल तो अब दुनिया पे मौजूद नहीं है, वो तो रेलत फरमा गए, तो ये वाकई इकबाल ने तुम्हारे लिए ये कहा है, मगर क्यों कहा है, किस वजह से क्या है, ये क्या इशारा है तुम्हारे लिए, किसी वली से पूछो। अच्छा। फिर हमने असफंद यार वली से रात तक। अच्छा। असफंद यार वली ने हमें कहा कि देखो ये तुम्हारे लिए इकबाल लिखा है कि तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, और पहाड़ों की चट्टानों की एक ही पार्टी है एएनपी, तुम उसको ज्वाइन करो। तो फिर हमने एएनपी को ज्वाइन। इकबाल ने तो कहा था तू शाही है, शाही तो नहीं कहा था जी, शाही कहा था। वो मेरा ख्याल है फिर वो जिस पेंटर ने वो उस वक्त शेर लिखा था ना उसका नाक बंद था। इसलिए वो नून गुंडा नहीं लिख सका, नाक बंद हो तो नून गुंडा का आवाज नहीं निकलता। अच्छा अच्छा, इसमें कोई ऐसा परेशानी वाला बात नहीं, अपना नाक बंद करके तो देख लो बोल के, शाही बोलेगा तो ये देखो ना शाही शाही। तो ये पेंटर का कसूर है, मेरा तो कोई कसूर नहीं। अच्छा शाही सैयद साहब ये फरमाएं कि इंतखाबात सर पे हैं, कराची का सियासी नक्शा आप कैसे देखते हैं? आपके और एमक्यूएम के दरमियान तो बहुत ज्यादा कशीदगी है। देखो जुनैद खान ये जो एएनपी है ये बाचा खान की मोहब्बतें बांटने वाली पार्टी, मुफावत वाली पार्टी। अच्छा, ये किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती। अच्छा, बिल बैठ के तो ये दोनों पार्टियों को सीटें तय कर लेनी चाहिए। अच्छा, हाँ वो लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा। देखो हम खुद कहते हैं, हम खुद कहते हैं कि एमक्यूएम बड़ी पार्टी, वो पुरानी पार्टी है उधर, वो ट्रक वाली सीटें वो ले ली। अच्छा, हम उससे थोड़ी छोटी पार्टी है हमें वैगन वाली सीटें दे। ये क्या बांट हुई भाई? देखो वो ट्रक वाली सीटें ले ले एमक्यूएम, ट्रक में तीन सीटें होती है वो उनको दे दो। अच्छा, और वैगन की सीटें हमें दे दो, 13 सीटें होती है वो हम ले लेते। कमाल फार्मूला आपने पेश किया, एमक्यूएम को 3 सीटें और खुद 13। पीपल्स पार्टी कहाँ गई यार? वो तो अब ना 3 में ना 13 में। उसको अब ये कोई सरकार नहीं है कि उसने इलेक्शन जीत ले, वो तो सारे दोस्तों पे ही उम्मीदें लगा के बैठे हुए। तुम देख लो फ्रंटियर में उसको ये उम्मीद है कि एएनपी और वो जेयूआई जो है वो उधर जीत के सीटें तो उसके साथ बैठ जाएगी। सिंध में उसने एएनपी और एमक्यूएम के साथ मुआहदा कर लेने, और पंजाब में उसको ये उम्मीद है कि ये इमरान खान जो है ये नून लीग का सफाया मफाया कर देगा। अब वो खुद नहीं पीपल पार्टी इलेक्शन में आती, वो कहता है जीत जूत के आ जाओ यार मेरे साथ बैठ के तो तुम्हारा मेहरबानी हुकूमत बना दो। अच्छा शाही सही साहब ये बताइए कि ये कराची को किसकी नजर लग गई है? देखो नजर मजर किसी की नहीं लगी। हाँ। असल मसला ये है कि कराची पे कोई नजर रखता नहीं। क्या मतलब? उधर वो जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है बड़ा खराब हो गया हुआ। सारे तो सिफारशी भर्ती हुए। मैं जब नया नया आया था 30 साल पहले, 8वीं क्लास पास करके इधर आया था, मैट्रिक मैंने कराची से किया। अच्छा। उस वक्त। अच्छा आपने मैट्रिक किया हुआ? यार 2 दफा किया हुआ। अच्छा। तो बात हो रहा था कि अब कराची पे कोई नजर नहीं रखता। सही। जब मैं इधर नया नया आया था तो ऊंट इस पे नजर रखता था।
ऊंट? हाँ यार, जब मैं इधर आया था तो उस वक्त कराची में ऊंट गाड़ी चलता था। अच्छा। तो वो ऊंट का चूंकि कद बहुत ऊंचा होता है तो वो सारे कराची पे नजर रखता था, चलते फिरते देखता रहता था वो कौन है, वो क्या कर रहे, ये बद्दा क्यों कराची में नहीं आया। वो ऊंट तो इतना बेहतरीन जानवर है कि वो चलते चलते पीछे भी देख रहा, पीछे से भी बता देता कि ये जो पीछे आ रहा है बंदा ये ठीक नहीं। तो इसलिए आपको कराची पे नजर नहीं रखता, इसलिए कराची का हालात खराब हो। तो कैसे ठीक होंगे फिर ये हालात? दो तीन दिन बारिश हो, हवाएं चले, फिर हालात ठीक हो। यार कैसा आदमी है यार, फिर पूछ रहे कि मेरे से फिर पूछ रहे कि हालात कैसे ठीक होंगे। बता तो रहा हूँ कि लॉयड ऑर्डर का मसला ठीक होए। ये जो गवर्नमेंट है ना, ये लॉयड ऑर्डर का मसला ठीक करे, लाडले ऑर्डर ना करे। ये जो रहमान मलिक कर दूसरे तीसरे दिन कह देते हैं ना कि मैंने नोटिस ले लिए, हालांकि तुम यकीन करो ये कहीं सब्जी ले ले जाए तो वो नहीं कोई इसको देता, तो नोटिस इसने क्या लेना। तो ये रहमान मलिक को ये इसको तो नहीं चाहिए यार, ये बीच में कहां से आ गए। ये जो गवर्नमेंट है जरदारी साहब जो है, ये लॉयड ऑर्डर का मसला ठीक करे उधर, तो फिर मेरा ख्याल है कि अच्छा शाही साहब ये फरमाएं कि वफाक में आप और एमक्यूएम पार्टनर हैं, इत्तेहादी हैं आप एक दूसरे के, कराची में आप बाहम दस्तो गरेबान हैं, ये क्या मामला? वो ये रहा उधर तो वफाक में पास जरदारी साहब बैठे होते हैं ना, तो नहीं लड़ने देते। जरा सा को घर भी कहता है तो वो कह देते ना करो यार क्या करते। तो इधर कराची में चूंकि वो जरदारी साहब नहीं है, इनको चाहिए कि अगर ये कराची में भी चाहते हैं कि एएनपी और एमक्यूएम आपस में ना लड़े तो एक छोटा सा जरदारी लेके इधर भी बिठा दे। हाँ ना, अगर तुम कराची को मिनी पाकिस्तान कहते हो तो उधर मिनी जरदारी बिठा दो, एक छोटा सा जरदारी 70 cc, उधर 70 cc में चल जाएगा। 1-5 तो वफाक में ही रहना चाहिए, वो तो बड़ा जरूरी है। शाही साहब ये फरमाए कि पाकिस्तान रेलवे का आप ही के वजीर गुलाम अहमद बलोर साहब ने बेड़ा गर्क करके रख दिया, ये इशू जो है आने वाले इलेक्शन में आपके लिए परेशानी का बायस नहीं बनेगा? देखो बहुत अच्छा सवाल किया आपने, थैंक यू। इस सवाल पे लड़ाई भी हो सकती है। क्यों? नहीं, बुनियादी सवाल किया आपने, मगर मैं अपने पास कभी पिस्तौल रखता नहीं। इंटरव्यू की जान है ये सवाल। अच्छा। मैं इसका जवाब भी दे सकता हूँ मगर कैमरा चल रहा है। तो ये जो रेलवे वाला आपने सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया, तो इसका अगर मैं कोई जवाब मवाब दे दूं तो केस में इस तो नहीं होगा। क्या मतलब है आपका जवाब दे आप? बड़ा अच्छा सवाल किया। ये जो रेलवे वाला सवाल किया है, बड़ा अच्छा सवाल है, इसका जवाब भी मैं जरूर दूंगा, मगर कहीं अकेले काबू आओगे तो फिर जवाब दूंगा। और ये तुम याद रखना कि तुमने मुझसे ये रेलवे वाला सवाल किया है और इसका जवाब भी तुमने मुझसे ले लिया है, ये याद रखना। यहाँ मैं लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अपोजिशन लीडर चौधरी निसार का कहना है कि मुशर्रफ के चले हुए कारतूस क्या तब्दीली लाएंगे। चौधरी निसार साहब को समझाओगे, चले हुए कारतूसों की बात ना करें, अगर चले हुए कारतूस सियासत से निकल गए तो सियासी मैदान तो खाली हो जाएगा सारा। क्या मतलब? कोई जियाउल हक के दौर का चला हुआ है, कोई मुशर्रफ के दौर का चला हुआ कारतूस है, सारे चले हुए कारतूस हैं। वैसे चौधरी साहब पाज ने तो क्या ठीक रहा है, सारियों के पास चले हुए कारतूस ही हैं जनाब, बाकियों के पास कौन से ब्रांड न्यू डब्बी पैक जीरो मीटर कारतूस है, चले वही है। बस दुआ करें कारतूस तो चलते ही रहते हैं, मुल्क हमारा चल पड़े ना तो वाह वाह। यार वैसे ये मैंने क्या बात कर दिया है? हाय हाय, क्या बात की है? ये तो नहीं मुझे पता, अलबत्ता मेरा एक्शन और फिक्रे का रिदम बता रहा है कि मैंने कोई बात की है। बड़ी बात कर दी है, बहुत बड़ी बात निकल गई है मेरे मुंह। इसके मतलब का मुझे समझ आ जाए तो फिर तो बड़ी बात है। मुझे तुम छोड़ो यार, चौधरी साहब कोई समझ आ जाए तो बड़ी बात है। हाय 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 हाय, कारतूस तो सबके पास चले हुए हैं, बस मुल्क चल पड़े तो बड़ी बाय बाय। ये तेरे सदके जाऊंगा, क्या क्या बात कर जाता है तू,
चुप चुप ही थी। वैसे जी यहाँ के कारतूसों की खासियत है कि पावे चले हुए हो महसूस नहीं होने देते कि हम चल गए हैं। बंदूक में से निकल के जब पैरों पर नीचे गिरते हैं तो उठ के फटाफट कपड़े कुपड़े चाड़ के फिर खोखे में घुस के किसी और बंदूक में घुस जाते हैं। आए हाय हाय हाय, फिर उधर से जाके चल जाते हैं गड़ाच, फिर नीचे गिर के फिर फटाट तैयार त्यूर होके कपड़े कुपड़े चाड़ के जाके नवे डब्बे में बैठ जाते हैं और उधर जाके वही पुराना कारतूस बाकी पुराने कारतूसों को कह रहा होता है कि यार परे होके खड़ा हो, यार तुम पुराने हो, क्या हो गया, वो आ रही है यार, चल उधर होके खड़ा। अपना तारीखी जुमला तो दोहरा दो, क्या था पुराने? कारतूस तो चलते ही रहते हैं, अगर मुल्क चल जाए तो क्या? बड़ी बात, मेरे सदके जावा ये उम्मैया तेरे तो बस। अजीज साहब इस तरह दोनों तरफ से ना किया करें। क्यों जी, दोनों तरफ से करने से आठ बन जाता है। एएनपी के सेनेटर जाहिद खान ने कहा है कि पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर डॉक्टर आसिम को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सेनेटर जाहिद खान साहब, एएनपी स्पेशलिस्ट, इस्तीफा देना चाहिए डॉक्टर आसिम को ये गैसों के और तेल के चढ़ते हुए रेट पे, और बिजली वाले जो अहमद मुख्तार साहब हैं उन्हें भी इस्तीफा देना चाहिए। लोड शेडिंग नहीं खत्म हो रही भयोली, बल्कि वो जो वजीर है कमर यमान कारा साहब उनका भी इस्तीफा देना चाहिए, वो कोई इतला तो नशरियात ठीक नहीं चला रहे वो। अच्छा, और वो जो है अपना क्या नाम है यार उनका, वो हिना रब्बानी खर साहब, हिना रब्बानी फौरन मुस्ताफी हो, रहमान मलिक को इस्तीफा दे देना चाहिए, फौरन देना चाहिए इस्तीफा। दाखला के जो है मामला तो वो बड़े गड़बड़ हो गए हुए, सारी क्या सारी कबीना तोड़ देनी चाहिए, मासवाए गुलाम अहमद बलौर साहब के, कल्ले बंदे ने पूरी हुकूमत का लोड उठाया। देखो तुम रेलवे कहाँ पहुंचा दिया यार, हाय हाय कहाँ पहुंचा दिए, पता नहीं कहाँ पहुंचा दिया, अब तो नजर ही नहीं आती रेलवे यार, हाय 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 हाय। मैं कहता हूँ अगर सारी कबीना भी इस्तीफा दे देना तो गुलाम अहमद बलौर साहब कल ही इंजन की तरह हुकूमत खींच के ले जाए। अच्छा, ऐसे बब्बर शेर है वो। जाहिद खान साहब अब तो खुश है अब जनाब, एएनपी के अलावा मैंने सारे मुस्ताफी करा दिए। वैसे यार ये इतिहादियों ने भी देखो क्या काम पकड़ा हुआ है, हुकूमत से निकलते भी नहीं और उसको बातें भी करते जाते हैं। इनकी वही पोजीशन हुई हुई है ना, जो बंदा गाड़ी में चूंटा भी लेता रहता है और गाड़ी में से नुक्स भी निकालता रहता है, गड्डी ठीक नहीं भाई तेरी, अगले चौंक तक चल हाँ यार गड्डी ठीक नहीं तेरी लग रही, इधर खब्बे हाथ मोड़ टायर नवे पवा, मार दी ते भाई झटके वे मगर मैनू अगले चौंक चला भी, इतनी देर में गड्डी किसी अवाम के बंदे में बज जाए अगर तो उसकी भी हमदर्दियां लेते हैं। ये ही मैंने समझान दे यहाँ, ये देखो तो आज गड्डी काट मारी आखंड यहाँ नहीं ठीक, गड्डी तेरी आहिस्ता चला, मानता ही नहीं मेरी, मानता ही नहीं, चलो फिर खुदा भी चल अगले चौक चल यार। हर बंदा खप गया है और पेट्रोल सौ टप गया, खिलाड़ियों हमारों से भी हम सेंचुरी नहीं बनती, पेट्रोल ने सेंचुरी पूरी कर ली। मैं तो कहता हूँ यार अपनी क्रिकेट टीम ठीक करने के लिए ना इनके नाम बदल लो, डीजल अफरीदी देखो कैसे सौ करता है, रेगुलर मिसबा सौ करेगा, हाई ऑक्टेन उमर अकमल करे ही करे सौ, इसी तरह टीम बेहतर की जा सकती है, बाकी तो आप बेड़े ही करके हो गए। वॉइस ऑफ अमेरिका का दावा है कि परवेज मुशर्रफ इंतखाबात के मौका पर भी अपनी वापसी का वादा पूरा नहीं कर पाएंगे। यार ये वॉइस ऑफ अमेरिका कौन होता है हमारे मामलों में बोलने वाला, आराम से बैठो यार, एडा तुम वॉइस ऑफ अमेरिका हम जाने और मुशर्रफ साहब जाने, एमए फसूल ये देखना तुम, ये वॉइस ऑफ अमेरिका ने हमें चौक चका के उन्होंने नहीं भी नाना तो ये ले आएंगे उनको, एमए फसूल तुम्हें क्या है यार भाई साहब अमरीके, मुशर्रफ साहब ना है भावे ना है तुम्हें क्या ये भाई साहब अमरीका का मेरे बड़े ताए वाला साहब है, वो हमारा बड़ा ताया जो था ना बड़ी चलाकी से हमारे से काम करवा लिया करता। अच्छा, एम ही बैठे बैठे कहना शुरू हो जाता था, वैसे बैठे तुम अंदर से जाके ठंडे पानी का गिलास तो नहीं ला सकते, नहीं 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 ला ही नहीं सकते, ठंडा पानी हाथ में पकड़ के लाना बड़ा मुश्किल होता है, नहीं नहीं अच्छा जाओ फिर ला के दिखाओ, जाओ इतने दिलेर हो तो ला के दिखाओ, हमने नस के जाना ठंडे पानी का गिलास भर के ला देना, पकड़ के पीना शुरू कर देना, तो बंदा पूछे इसमें दिलेरी वाली कौन सी बात है, अंदर से फ्रिज से पानी लेके आना, कौन सा ग्लेशियर से बर्फ ला के गिलास में डाल के पानी लाना,
हजूली ये देखना तुम ये अमेरिका के चौकचका में आके मुशर्रफ साहब ने इधर आ जाने, और ये तुम यकीन रखना कि अगर मुशर्रफ साहब इधर पाकिस्तान में आके सड़क किसी पे उतर गए, हाय 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 दौड़े लग जानी है मुशर्रफ साहब की तरफ, अवाम की और नहीं यार पुलिस की। अच्छा। मुशर्रफ साहब के वारंट ऑफ गिरफ्तारी निकले हुए मुशर्रफ साहब, आप ये भाई साहब अमरीके की बातों में ना आना और ना ही कहीं अपनी बातों में आ जाना। आला अफसरान और सियासतदानों ने 5,000 पुलिस अहलकारों को बेगमात और बच्चों के लाने ले जाने के लिए रखा हुआ है। 100% दुरुस्त खबर आई। 100% 200% जनाब। कहीं पर भी शॉपिंग प्लाजा और स्कूल्स के बाहर देख लो, आपको हर वक्त पुलिस की गाड़ियां खड़ी नजर आती है। इतनी बुरी हालत है भाई जी, मैं आपको क्या बताऊं, इतनी बुरी हालत है। बेगमात चलो असी तियां भाणा ने साडियां छड़ने आ बाजार भी छड़ने लै भी आने, कोई ऐसी गल नहीं। ओ बच्चे चुका देंगे ने सानू, यार तुम की दसीए डीआईजी साहब हुण मैनूं बच्चा चुका देंगे मैं की करां। देखो तो सही तुसी, मैं ओनू चुके आ जिन्हूं पता ही नहीं कि मैं ऐसा जो हां, और ऐसे जो तो पता लेना होवे कि ऐसे जो तो ऐसे जो टके दा लिया ऐसे जो तो मोली हो तो पैदा ने तो पता लगे कि ऐसे जो है। साडे अपने घर आई साडी क्यों नहीं इज्जत, साडी बेगम नु पता ही नहीं हुंदा कि ऐसे जो है। अच्छा गवर्नमेंट नु चाहिदा जदों सानू ऐसे जो लाण ते आर्डर दी एक कापी साडे घर भी भेजन करा, उते लिखा होवे कापी टू मिसेस ऐसे जो, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਐਸ ਐਚ ਓ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਰਨਾ ਕਰਨਾ। ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀ ਹੁਣ, ਬੱਚਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਸ ਐਚ ਓ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਰੋਣ ਡਿਆ ਕਦੀ ਮੁੱਛਾਂ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚਣ ਡਿਆ ਕਦੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਨ ਡਿਆ, ਲਾਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਖਾ ਲਈਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਗਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੱਢ ਮਾਰਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਡੀ ਆਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰ ਲੈ ਚਪੇੜਾਂ, ਮਗਰ ਗਿੱਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਰ ਸੁੱਕੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰ ਬੇਟੇ ਤਾਂ ਇੰਜ ਕਰ। ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਿਉਣ ਜੋਗੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਮੁਅਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਂਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਨੇ ਆ ਔਰ ਉੱਤੇ ਮੁਅਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਮੁਅਤਲੀ ਦੀ ਆਰਡਰ ਤੋੜ ਮੇਰੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੱਕ ਗਏ। ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਮੇ ਲੈਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਾ ਵਕਤ ਆ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਰਹੀਏਗਾ। नायरीन आज लम्हा फिक्रिया में जिस हद तक जरा सबर करो, एक मामला है उसकी वजाहत बहुत जरूरी है, बाद में मैं भूल जाऊंगा। आपने दो दिन पहले एक मुखबरी फरमाई थी कि गुजरांवाला में एक पुल जेरे तामीर है, बल्कि वहां पे एक प्लाजा है और उस प्लाजा को बचाने के लिए पुल को गिराया जा रहा है जी। आपके इस मुखबरी के बाद सीनियर मुस्लिम लीगी रहनुमा है गुलाम दस्तगीर साहब, वहां पे एमएनए भी रहे हैं जी जी, बुजुर्ग रहनुमा है नून लीग जी, उन्होंने मुझे फोन करके इस सारे मामले की वजाहत की है। उन्होंने कहा है कि उस प्लाजे की मलकियत हमारे पास है और वो प्लाजा किसी किस्म की भी कोई रुकावट पैदा नहीं कर रहा, और बात उनकी वाकई समझ आती है। उन्होंने कहा है कि अगर पुल के लिए उनके प्लाजे को गिराया जाता तो उन्हें मुआवजा मिलता, इसमें क्या हर्ज है। बल्कि उनका यह भी कहना था कि अगर उनके प्लाजे को गिराया जाता तो फिर मीडिया ने यह इल्जाम आयद कर देना था कि पैसे वसूल करने के लिए, जानबूझ के ज्यादा पैसे वसूल करने के लिए मेरे प्लाजे को गिराया गया। तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। चले बिल्कुल ठीक है, दस्तगीर खान साहब भी बड़े मोहतरम और बड़े शफीक बुजुर्ग हैं गुजरांवाला के, वो को अच्छा फैसला ही करेंगे। चले वो पुल वाले भी जो चीख रहे हैं उनका भी जरा सुन लिया जाए। उनका ये मौकफ है कि ये खालिसतन टेक्निकल मामला है जिसको टेक्निकल राय की रोशनी में ही तय किया जाएगा। अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी, मेरा ख्याल है उनकी बात में वजन है। बहुत शुक्रिया, मैं तो यार इतना कह रहा हूँ कि परले पासे भी पुल उतार दे, टी शेप बना दे यार, ना गिराए उसको तो क्या है। चले जो होगा बेहतर ही होगा, अच्छा ही करेंगे जी। तो लम्हा फिक्रिया जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ नाजरीन, वो ये है कि आजकल पंजाब के अंदर और खास तौर पे लाहौर में डेंगू का बहुत रौला पड़ गया हुआ। तो कराची में भी ये बादल मंडला रहे हैं जी। बिल्कुल सर, 150 पेशेंट्स हैं वो डायग्नोज हो चुके हैं। अल्लाह ताला रहमत करे, अल्लाह पाक सारे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में खैर खरीयत रखे। यहाँ पंजाब में जो पंजाब गवर्नमेंट ने हलाल हलाल शुरू की है, इस दफा तो चौथे गेयर में ही शुरू है। हाँ, सुबह शहबाज शरीफ साहब खुद लाहौर की सड़कों पे खड़े होके वो जो अवेयरनेस के पंफलेट हैं वो तकसीम करते रहे। शुक्र है, शुक्र है, अगर कोई बंदा को अच्छा काम कर रहा था अचानक तो वो भी तुम्हें नजर आ गया, शुक्र है, शुक्र है। ये अजीब बात है, तुम्हें याद है पिछले साल भी हमने बहुत खुले दिल के साथ ये बात तस्लीम भी की थी, बल्कि मीडिया से और अपोजिशन से
ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की थी कि कम से कम डेंगू के मसले पर सियासत ना की जाए, और जो शख्स और जो हुकूमत अच्छा काम कर रही है उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, और पूरी कौम को मिलकर इस मुसीबत से यानी छुटकारा पाने की तदबीर और कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, दूसरी बात यह है कि मैं तो ये भी अप्रिशिएट करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल आज ही के दिन, यानी आज 2 सितंबर हो गई, तो 2 सितंबर पिछले साल तुम देखो कि हम बिल्कुल इस वक्त तक हालत जंग में थे, और अल्लाह का करम है कि इस साल अल्लाह ताला अपना फजल व करम इसी तरह रखे, हमें बचाए रखे, पूरे मुल्क को इस अफरेत से बचाए रखे। तो मेरा ख्याल है कि इस बार हम कंपैरेटिवली नहीं, बहुत ज्यादा हम महफूज हालत में। नहीं, इस दफा तो मियां शबाज शरीफ डेंगू के मसले में बहुत तपे हुए हैं। मुझे एक सिपाही बता रहा था कि आई जी कई डेंगू मच्छरों को पकड़ के शबाज शरीफ ने बहुत चाटा है। कैसे? ओ जी, वो कह रहा था कि एक मच्छर जा रहा था, उसको खड़ा कर दिया, इधर खड़ो, इधर खड़ो, इधर खड़ो, ब्रेक ला, ब्रेक ला, थले उतर स्कूटर, तो थले उतर स्कूटर, तो खड़ो, इधर की लता लमियां ने पहले तो मैंने दस वो नाम रहा था एडा उचा हो गया, खड़ो के वे लेना तू, वो तेनू जो पिछली रही तो मैं छेत्र मार के कटिया सी, तू ऐन की फिर डंग भरा के इधर आ गए, तू चानक क्यों बन गया, तू बंदे का पुत्र क्यों, अपना मच्छर का पुत्र क्यों नहीं बनता है, एक मिनट ठहर जा, जरा तू किधर आया, इधर आए ना, इधर आधरा तू इन मैं फाड़ लिया, तो मैं इंजन किमें करांगा, बंदे बन जाओ जो तुम 5-6 जने रल गए थे आ गए लाहौर च, मैं छित्र मार के तुम इतों कट रहे बता। ये तुम बाकी संजीदगी के साथ देखो कि कमोबेश 140 मुल्कों में डेंगू मच्छर ने अपना पड़ाव डाला है, और कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जहां पर 30 साल से पहले वहां से निकला हो। अच्छा। अल्लाह रहमत करे, अल्लाह रहमत करे, अल्लाह पाक सबको अपनी हिफाजत में रखे, इसे अप्रिशिएट भी करना चाहिए और इसके साथ साथ लोगों को अवेयरनेस भी देनी चाहिए। हाँ, लेकिन इसका ये कतई तौर पर मतलब नहीं है कि पंजाब हुकूमत ने जो इकदाम किए हैं वो बिल्कुल, उसमें कोई लूप होल्स नहीं है, उसमें कोई कमियां कुताइयां और कजियां नहीं है, बहुत नहीं संजीदगी का, नहीं देखो मेरी बात सुनो, बात यह है कि अगर हम अपोजिशन से या दूसरी सियासी जमातों से ये दरखास्त करते हैं कि वो डेंगू के मसले पर सियासत ना करें, तो यही जो दरखास्त है ये पंजाब हुकूमत या मुस्लिम लीग से भी की जानी चाहिए कि वो अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो उस पर भी सियासत ना करें, उसको डेंगू तक ही महदूद रखें। अपने वोट बैंक के लिए ये काम ना किया जाए, ये इंसानियत के लिए और आवाम के लिए खिदमत के तौर पे किया जाए। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि मीडिया को भी चाहिए कि लोगों को बताए कि फुल बाजुओं वाले कपड़े पहने, अपने घर में वो जो होते हैं एयर कूलर वो खुश्क करें, गमले खुश्क करें, टायरों को खुश्क करें, किसी जगह पानी नहीं खड़ा होना चाहिए, और चेहरा और वायु ढांप के फिरना चाहिए, और अमेरिका से भी बचना चाहिए क्योंकि अमेरिका अलयाम लगा सकता है कि ये जो आपने ये ओढ़ा हुआ है नकाब ये ठीक नहीं है, हजाब क्यों, हजाब के खिलाफ अंग्रेज हुआ हुआ ना, तुम्हें नहीं पता, और तुम्हें पता है कि परसों आलमी यौम हिजाब भी है, ईमान से लो जी अमेरिका ने जरूर इस दफा भी कोई ना कोई ये हजाब के खिलाफ शोशा छोड़ना है। अमेरिका को तो छोड़ो, जो यहाँ हमारे यहाँ अमरीकी फोटोस्टेटें फिर रही है ना, वो भी जरूर अब बैठ के मीडिया के ऊपर हजाब के खिलाफ कोई ना कोई गुफ्तगू करके ना, तो अपने आप को दानिश्वर साबित करें। और पाजनाद मुझे आज तक ये बात नहीं समझ आ सकी कि अगर हिजाब ना लेना पर्सनल चॉइस है तो हिजाब लेना क्यों नहीं पर्सनल चॉइस। हाँ बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बात भी समझ नहीं आती कि जो खवातीन हिजाब नहीं करती वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए हिजाब करने वाली खवातीन को कंडेम क्यों करती हैं, कि बिल्कुल रवैया ऐसा ही है ना कि अगर मेरे चेहरे पर दाढ़ी नहीं है तो अगर मुझ पर कोई एतराज करता है तो मैं उल्टा एतराज शुरू कर दूं, मतलब मुख्तलिफ हीले बहाने तराशना शुरू कर दूं, सिंपल मेरा जवाब ही होना चाहिए और है भी कि अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि मैं दाढ़ी रख लूं, ये सुन्नत है। आप बिल्कुल इन मामलात पे बहस नहीं करनी चाहिए, अगर मुझे हिजाब में शर्म या अच्छी फील होती है और मैं महसूस करता हूँ अपने आप को सेव तो मुझे हिजाब करने दे। हाँ। इसमें बहस वाली कौन सी बात है भाई। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी साहब, कल के शो को हमारे व्यूअर्स ने माशाल्लाह बहुत अप्रिशिएट किया है। हाँ, उन्होंने कहा बहुत ही प्यारा जेस्चर था आप तीनों की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से। तो जो पहली मेल मैं आज पढ़ने लगी हूँ ना हस्बे डाक में, वो भी उसी से रिलेटेड है। जी जी बिस्मिल्लाह। सलाम बहुत प्यारी हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। पूरी टीम को 700 शो पूरे होने पर बहुत बहुत मुबारकबाद। खैर मुबारक जी, मगर असल मुबारकबाद तो तब देंगे जब 7,000 शो पूरे हो जाएंगे।
जिसमें नाजिया 18 नंबर की ऐनक लगाकर आईपैड की बजाय हाथों में ऊन का गोला और सिलाई पकड़ के खबरें पढ़ेंगी। जुनैद साहब शो शुरू करने से पहले कप में से अपनी बत्तीसी निकाल कर लगाएंगे और कहेंगे, अस्सलाम वालेकुम ख्वातीनों हजरात, यकीन करें मैं हूँ वही जुनैद सलीम। और अजीजी साहब आप भी थोड़े से बूढ़े हो जाएंगे, यानी 18 से 28 साल के, लेकिन कहेंगे तब भी खुद को 18 का। क्या नाम है इसका? उमर हशाम इस्लामाबाद से। हाय हाय उमर साहब, बहुत अच्छा काका कहते हैं सारा। मैं तो ये सोच रहा हूँ उस वक्त से कि ये हमसे की कैसे बेचारे। मैं मुर्चा अपना जीजी मुंडिया ना कर मुंडिया। मैं ना हंसा कड़ी कड़ी मेरी केसट मुंह से निकल। और उस वक्त मेरी रूह को कितना सुकून मिलेगा जब जुनैद मुझे कहेगा कि हाँ जी बेटे ये जरा पढ़ के सुनाना क्या लिखा हुआ है। इतने तुम 6x6। और मैं कह रहा हूँ कि चलो बाबियों शो शुरू करो बुजुर्गो। शुरू हो गया कैमरा, बात कर लो। अली असदुल्ला खान क्वेटा से लिखते हैं, सलाम हस्बे हाल टीम। अजीजी अंकल, मैं 21 अगस्त 2009 को बॉम्ब ब्लास्ट में जख्मी हो गया था, जिसमें मेरे पांव की उंगलियां नहीं रही और मेरा बाजू भी टूट गया था। रहमान मलिक साहब ने जख्मियों के लिए 2 लाख का ऐलान किया था, जो कि आज तक नहीं मिला। क्या नाम है जी इनका? अली असदुल्ला खान, क्वेटा से। अली असदुल्ला खान साहब, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और आपकी मुश्किलें आसान करे। आमीन। और रहमान मलिक साहब को भी तौफीक दे के जो उन्होंने वादा किया था वो आपके साथ पूरा कर। आमीन। अच्छा जी, अगला खत हमें राना इमरान ने लाहौर से लिखा है, लिखते हैं, सलाम हस्बे हाल की प्यारी टीम। वालेकुम अस्सलाम। अजीजी अंकल, मेरी पूरी फैमिली आपका शो बहुत शौक से देखती है। मेरा आपसे सवाल है कि जब आप प्रोग्राम में पुलिस की बात करते हैं तो आपके चेहरे पर इतना नूर क्यों आ जाता है? बेचनी बोली था, मैं तो 10 दिन बेचनी बोली था, बयान पूरा होंदे, जो बयान देना चाहता उन्हें बयान पूरा करने, फिर बेच बोली। अच्छा, बड़ा प्यारा जुमला उन्होंने लिखा है, कहते जब आप पुलिस की बात करते हैं तो आप पर पुलिसियत क्यों उतारी हो जाती है? वो पुलिसियत वाली तरीके निकाले भाई, पुलिसियत तरीके निकाले, पुलिस पुलिस ही होती है, पुलिस किसी महकमे का नाम नहीं है, पुलिस एक कैफियत का नाम है, एक रवैये का नाम पुलिस है। रवैया ना जिस दिन बरती जाए ना उन्हें पता होता है रवैया की है। टकोर ते फायदा की मुड़ के करता फिर टकोर ते फायदा की टकोर करनिया पैदा ने। अच्छा जी, एम उसामा सैफ लैया से लिखते हैं, हस्बे हाल टीम, अजीजी भाई आपसे एक सवाल है, जी आप हर वक्त जुनैद भाई से अपने आप को जहीन मनवाने की कोशिश करते रहते हैं। और अगर मनवाने वाली इसमें कौन सी बात है, ऑलरेडी मुझे पता है कि मैं हूं तो मनवाऊं क्यों जी? बयान पूरा होने दो। कहते हैं और अगर वो मान जाए तो आप खुद ही कह देते हैं कि मेरा तो तुक्का लग गया था। बात तो सही है। देखे जी, मैं सच बोलने वाला इंसान हूँ, मेरा जहाँ पे तुक्का लगे मैं वहां पे बता देता हूँ कि मेरा तुक्का लगा है। कई दफा तो मुझे भी नहीं पता होता कि मेरा तुक्का लग गया हुआ है। मैं खुद हैरान होके कहता हूँ कि है ओए तू किथे लग गया है। और इस तरह के पढ़े लिखे लोगों का अगर तुक्का लग जाए ना तो ये उसे दूर अंदेशी का नाम दे देते। एक दफा मुझे कहता है, इकट्ठे आ रहे थे हम चैनल पे, तो मुझे कहता है देखना आज तो मैं चैनल का गेट कीपर रोकेगा, तुम्हारी तलाशी लेगा। जब हम गेट पे पहुंचे ये अंदर चला गया, उसने मेरी तलाशी लेनी शुरू कर दी। अच्छा। जब मैं तलाशी दे के अंदर आया तो मैंने कहा यार तुम्हें कैसे पता चल गया था? कहता देख लो मेरी दूरंदेशी। दूसरे दिन मुझे पता चला कि इसने गेट कीपर को कहा हुआ था कि इसकी तलाशी जरूर लेना। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत अहम। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़।